नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठे सीसीटीवी कैमरा तैयार कर सकते हैं। हाउ टू असेंबल ए सीसीटीवी कैमरा एट होम। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम उसे जरूर रिप्लाई करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट नाउ हाउ टू असेंबल सीसीटीवी कैमरा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने सीसीटीवी कैमरे के पार्ट्स रखे हुए हैं। कोई भी सीसीटीवी कैमरा पांच पार्ट से मिलकर बनता है। नंबर वन, हाउसिंग। ये आपके सामने हाउसिंग है, यानी कि कैमरे की जो बॉडी होती है उसे हम हाउसिंग बोलते हैं। नंबर दो, लेंस। ये आपके सामने लेंस है सर। नंबर तीन, IR, जो कि नाइट विजन के काम आता है। और नंबर चार, सीसीटीवी चिपसेट बोलते हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट का काम करती है, जो लेंस से डाटा को लेती है। और नंबर पांच, सीसीटीवी वायर। आप देख रहे होंगे यहां पर दो वायर हैं, ये कनेक्टर लगे हुए हैं यहां पे। ये एक डाटा और एक पावर केबल के काम आता है। डियर फ्रेंड्स, ये सभी मटेरियल आपको किसी भी सीसीटीवी शॉप से मिल जाएगा। दोस्तों, हम आपको इसे असेंबल करके दिखाते हैं कि आप घर पे बैठे कैसे इसे तैयार कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक सीसीटीवी कैमरा चिपसेट है। ये इसकी फ्रंट साइड है, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये स्क्रूज टाइट करने की जगह है। ओके, आप इसे चिपसेट को उल्टा कीजिए। यहाँ इस जगह पे आप लेंस को इस्टेब्लिश करेंगे। ये हमारे पास लेंस है, इसे हम यहाँ पर इस तरह से इस्टेब्लिश कर देते हैं। ओके, जो कि बैक साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ स्क्रूज मिलेंगे आपको। जहाँ से आप ये सीसीटीवी मटेरियल लेंगे वहाँ से आपको ये स्क्रूज भी मिल जाएंगे, और यहाँ से इन स्क्रूज को टाइट कर दीजिए आप। अब आपका चिपसेट के साथ आपका लेंस जो है इस्टेब्लिश हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, हम इसे एक बार टाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो पेच हैं, हम इन्हें स्क्रूज जो हैं इन्हें टाइट कर रहे हैं। और जो ये वायर है जो आपको लेंस के साथ मिलेगी, ये जो कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा CND ग्राउंड के नाम से, CND GND के नाम से। ये देखिए, इसके साथ इसे टाई अप कर दीजिए। डियर फ्रेंड्स, ये वायर जो है ये आपको लेंस के साथ कनेक्ट मिलेगी। इसे आप यहाँ एक CND GND, यानी कि CND ग्राउंडेड के नाम से एक फीमेल कनेक्टर मिलेगा। देखिए ये रहा, आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ इस जो लेंस की जो केबल है, इसे साथ टाई अप कर दीजिएगा। इसे टाई अप कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हमारी जो चिपसेट है वो लेंस के साथ पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गई है। डियर फ्रेंड्स, अब हम इस लेंस और चिपसेट को IR के साथ इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ इसके मेल कनेक्टर्स को फीमेल कनेक्टर से चिपसेट में आप जोड़ दीजिए, इसे टाई अप कर दीजिएगा। फिर इसके स्क्रूज टाइट कर दीजिएगा। अब आपका चिपसेट और IR का कनेक्शन हो चुका है। अब आपको मैंने बताया था कि हमारे पास, डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक कैमरा वायर के बारे में बताया था। इसमें दो पोर्ट हैं, एक पॉइंट आपको पावर के यूज़ आएगा, दूसरा पॉइंट आपको डाटा ट्रांसमिशन के यूज़ आएगा। जो आपको पावर के यूज़ आएगा उसका जो कनेक्शन है आप IR के साथ करेंगे।
जो पावर का कनेक्टर है उसका इस्तेमाल आप आयर के साथ करेंगे, और जो डाटा का कनेक्टर है उसका इस्तेमाल सर आप चिपसेट के साथ करेंगे। देखिए हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं, अब आपकी कनेक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चिपसेट और लेंस का इस्टेब्लिशन कर रहे हैं आयर के साथ। ये आयर जो है आपको नाइट्रोजन के काम आता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सेंसर है, और ये LED है, और ये लेंस है, ये चिपसेट है आपके सामने, और ये कैमरे की वायर है। डियर फ्रेंड्स, अब आपके CCTV कैमरे का इंटरनल मटेरियल पूरी तरह से असेंबल हो चुका है। अब आप इसे हाउसिंग में इसे पैक करना है। अब इसे हाउसिंग में यानी कि कैमरा बॉडी में इसे पैक करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको दो कनेक्टर दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों कनेक्टर्स के ऊपर आपको ये चिपसेट जो है इस्टेब्लिश करनी है, और इसकी जो पेस्ट जो है वो टाइट करनी है। हम इसे पैक करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपका CCTV कैमरे का इंटरनल मटेरियल जो है वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है। अब आप इसके ऊपर IR को इस्टेब्लिश कीजिए। अब आप देख रहे होंगे आसानी से यहाँ पर दो स्क्रूज हैं, इन्हें आप टाइट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो ये हाउसिंग है, अब हाउसिंग में इसे पूरी तरह से पैक कर दीजिएगा।